एक बात बोलू, वो अजय है ना, अरे अपने क्लास वाला नहीं, अरे वो बाजू वाले क्लास का ना, हाँ, वो गिर गया था बाथरूम में कल और फिर मेरे को बोलते मैं गिरा नहीं कि उसकी इज्जत चली जाएगी ना बोलते मैं ठीक हूँ करके खड़ा हो गया और चला गया बोल। मैंने बोला मैं हेल्प करूँ क्या कुछ, फिर है ना वो आयुष आई और बोलती है बॉस वॉशरूम में कि तुम लोग कल वॉशरूम में क्या कर रहे हो। मैंने बोला ये बॉस वॉशरूम में आ गई है तो गलती से, तो ओ सॉरी ओ सॉरी करके चले गए। बोल ये खाएगा, कल तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, तुझे पता है ना मुझे अंग्रेजी ठीक से नहीं आती, फिर भी तू मुझे क्लास में परेशान कर रहा था, तो मैंने ये कर दिया। वैसे मैंने ये जानबूझ कर नहीं किया, और तू भी है ना मैम का चमचा मत बना कर, आज से हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे ठीक है फ्रेंड्स। So you want to say sorry? संदीप, रवि, ये क्या है? पता नहीं मैम, और एक्चुअली मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो शराब तक नहीं पीता। हाँ? अच्छा हाँ? ओकेजनली पीता हूँ, ओकेजनली, ये तो नशे में था मैं, फ्री की दारू थी तो। अच्छा मैम, मैं बताता हूँ क्या हुआ, एक्चुअली हुआ ये मैम कि वो जो इंग्लिश सेक्शन के लड़के थे ना, वो उन लोगों ने आके और वो ऐसा बीन बजाना चालू किया। तो आप जब बीन बजाते हो तो आपको नागिन डांस करना ही पड़ता है, तो हम लोगों ने सिर्फ उनकी उनकी इज्जत रखने के लिए नागिन डांस किया। मैम उन्होंने किया पहले, मैं ऐसा नहीं हूँ, हम ऐसे नहीं है, हम तो है। कौन कैसा है वो पता लगाने मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, ये फाइनल वार्निंग है आप लोगों के लिए, इसके बाद कोई भी गड़बड़ हुई तो खुद से घर चले जाना, यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, और ये किसका है वो मैं पता कर लूंगी। थैंक यू, सॉरी। और जो रात कल तोड़ फोड़ हुई है 10,000 जमा करा देना इसके लिए। 10,000? 5,000। 5,000? मैंने भेज दिए। क्या भेज दिया? 5,000 आपको ऑनलाइन भेज दिए। मुझे क्यों भेजा, कंपनी के अकाउंट में भेजना होता है, मेरी कंपनी थोड़ी है। तो लाओ आप फिर वापस कर दो, मैं कंपनी का बाद में अपन कर लेंगे, यही है तो मंथ एंड में कभी अगर। मैम आधा खाया हुआ बर्गर रेस्टोरेंट को नहीं रिटर्न कर सकते हैं। भैया कल रात आप हमको रोक नहीं सकते थे। मैम क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल सकता हूँ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। यार 10,000 का फाइन ठोक दिया एचआर। अरे भला हो भगवान का, 10,000 में तुम लोग का काम निकल गया। अगर मैं कंपनी का मालिक होता ना तो तुम्हारी हरकतें देख के कल रात ही तुम्हें फायर कर देता। एक मिनट, आप कैसे बच गए? अरे बड़ा बुजुर्ग समझ के छोड़ दिया होगा और क्या। और ये अंदर जो कुछ भी हुआ है ना मैं बता रहा हूँ, ये तेरी राहुल और नमिता की हरकत है। ओ भाइयो, मेरी नमिता ना ऐसी नहीं है ना। देखो देखो, फटे तो फटे पर आशिक ना घटे। अबे तुम दोनों को याद भी है कल रात क्या किया है तुम लोगों ने? तुम लोगों ने मतलब, मुझे तो मेरा बहुत अच्छे से याद है, मैंने तो बहुत तमीज से बात की लोगों से। तमीज से? पिज्जा तो मैंने बोला था, साथ में चिली पोटैटो भी बोले थे। वेटर, ए वेटर, एक्सक्यूज मी, वेटर वेटर वेटर, इधर वेटर।
वेटर 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 बुला रहा आपको। हाय संदीप, कैसे हो? सब सही चल रहा है? हाँ, क्या बात है यार, क्या पी रहे हो यार? नहीं, लोगों की अंग्रेजी पी के अंग्रेजी निकलती है, हमारी साक्षात हिंदी। हाँ हाँ, क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह। तो सच में आती है मेरे को देख के हिंदी बोलने लगी? नहीं, देखो मेरे को भी समझ में आती है, मेरे को ना यार बोलने में लग जाती है, आती है इंग्लिश बहुत दुखती है। मेरे को ये पूछना था ऑनेस्टली यार, तुम लोगों को नहीं लगता जिसने ज्यादा सेल्स किए उसको बोनस मिलना चाहिए? यार मैं क्यों जो ये सोच के बैठा हूँ, बताओ। ब्रो चिल यार, थोड़ा सा चिल। हाँ, ओ यू चिल, डोंट चिल मी, यू चिल। साला 56 सेल्स करके तुम मुझसे 5 गुना ज्यादा बोनस किए, 5 गुना 90। एक दिन भाई, एक दिन हिंदी सेक्शन में ना सेल्स करके दिखा, तेरी गर्दन के नीचे से, तुम्हारे ऐश के नीचे से ना लैंड विल गो ऑफ, समय निकल जाएगी, धनिया हो जाएगा पुछवाड़े में। रवि माय फ्रेंड, निकल के आदमी, तो तुझसे ज्यादा सेल्स करके दिखा दे रवि। ऐसा है क्या तेरे अंग्रेजी में, बताते टेल मी। नहीं, दिक्कत तुम्हारी नहीं है भाई, पूरी दुनिया की दिक्कत है यार, वेटर से लेके कलेक्टर हर कोई अंग्रेजी के पीछे भाग रहा है। भागो भागो, इस चेंडू को मैंने बोला मोहित तो लेके आ, है ना, ये हमारी अंग्रेजी सही करके चला जाए। अरे दो शब्द अंग्रेजी के झाड़ दो, लोग अनपढ़ को भी पढ़ा लिखा समझने लग जाते, इन लड़कियों के जाहिल कूल डूड लगने लग जाते हैं। क्यों नमी दाई, सही कहा ना मैंने, गलत बोला मैंने कुछ? नहीं ऐसा नहीं है। कैसा है नमिता जी? जी 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 बताइए आप, चल बताइए। अरे आपको अंग्रेजी के वर्ड में कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट है सबको पढ़िए, हिंदी वालों के दिल में क्या शोर मच रहा है कुछ है नहीं। और ये राहुल चीटर, कुछ चाहिए सर? जी चीटर सर, कुछ चाहिए? सेक्स ऑन द बीच। दो नींबू, 4 लीटर पानी, हैंगओवर के लिए बेस्ट होता है। भाभी गुस्से में कमाल लगती है यार। भाई तो उसको भाभी भाभी मत बोला कर रहा। अच्छा तो भौरा नहीं बोले? गई क्या? हाँ गई गई, चल 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 चल। तो बाल कटवा यार, नाक में घुसते हैं क्या? आफत बना दी यार। जी जी जी, मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ सर। जी बताएं। यही वाला फोन है ना सर? ए दूर से देखना, ऐसे हाथ मत लगा, गंदी हो जाएगी। हाँ लवेश भाई, इसको कड़क करवा लो, अभी नया भी है। कड़क? लेमिनेट करने के लिए बोल रहे हैं वो, गंदगी नहीं लगेगी। इतनी भी हिंदी मत बोला कर भाई। क्या बात है लवेश भैया, दिखने में तो एकदम सेक्सी लग रहा है लेकिन बैटरी थोड़ी छोटी है। शंभू, बैटरी बड़ी नहीं, लंबी चलने वाली होनी चाहिए। क्या बात है भैया। चल चल रख दे अब। जी सर, क्या मैं आपकी कॉल 2 मिनट होल्ड कर सकता हूँ? जी। शंभू चाय लिया एक मेरे लिए भी? जी सर। रघु मेरी बात सुन, रघु रघु, अरे कोई बात नहीं यार, कस्टमर है।
रघु अगर कस्टमर ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी ना तो तेरी जॉब भी जा सकती है और उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अरे यार तेरी गलती है नहीं है, तूने कुछ किया नहीं किया, कंपनी तेरी बात नहीं सुनेगी, कंपनी कस्टमर की बात सुनेगी। और एक सॉरी बोलने से तेरी इज्जत थोड़ी कम हो जाएगी यार, सॉरी बोल और मामले को रफा दफा कर। और क्या पता सॉरी बोलने से कस्टमर खुश हो जाए, तेरी रेटिंग ठीक कर दे, तो इसलिए सॉरी बोल और मामले को खत्म कर। नहीं नहीं उसकी चिंता मत कर, अरे पेट्रोल का खर्चा मैं दे दूंगा यार तेरे को। फाइन की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मुझे नमिता से सॉरी बोलना है। तू पागल है क्या? हम फाइन भी भरे हैं, सॉरी भी बोले, एचआर बता देगी उसको। अरे एचआर क्यों बताएगी उसको, मुझे खुद जाके पर्सनली जाके सॉरी बोलना है उसको। सॉरी ये तो बोल ही देगा उसको। अरे राहुल सुन, 35 की उम्र में 70 के तजुर्बे से बता रहा हूँ तुझे, तू एक बार में सबको खुश नहीं रख सकता है भाई, चाहे तो कुछ भी कर ले, और महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं। यार मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है पर बात सही लग रही है। अरे यार एक काम करो, तुम लोग आज घर चलो ना, कुछ बना के खिलाता हूँ, पालक पनीर वगैरह। भैया पालक पनीर बना रहे हो तो भाभी से बनवाना, आप तो बहुत ही बुरी बनाती हो। यार तेरी भाभी घर पे है ही नहीं, अपने बुआ क्या गई है, वही औरतों वाली प्रॉब्लम, नाराज है। अब देख ना फोन उठा रही है ना टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या कर रही है। भैया एक काम करो, आप है ना इसकी फोटो लेके भेज दो। अरे ये तो उसका फेवरेट रेस्टोरेंट है। अच्छा हाँ हाँ ये वही रेस्टोरेंट है ना जिसमें टेबलें घूमती रहती हैं। हाँ शायद ये टेबलों वाला ही। सही है यार, ये कहाँ से मिला तुझे? अरे जगदीश सर ने दिया था, मेरी वाली तो चलने से रही, आप अपनी वाली को ले जाओ। दूसरों का घर बसा रहा है पर अपनी वाली को सॉरी तक नहीं बोल पा रहा। गलत समय पे ऐसे डीप बातें मत बोला। हाँ यार संदीप भाभी ने दिल वाला हार्ट भेज दिया है। सही खेल गया हीरो, आज तो दिल मिलेंगे। आज तो घर पे जल्दी जाना होगा भाभी। उसे दारू नहीं पीनी जाती है, उसे दारू। नमस्कार संदीप, कैसे हैं आप? इतनी भी काफी है? हाँ? अरे मतलब तुमने उस दिन पार्टी में बोला था ना कि एक बार आओ हिंदी डिपार्टमेंट में सेल्स करके दिखाओ। वो मैंने नहीं, मतलब मैंने थोड़ी दारू पी ली थी। ये सही है, पहले लोगों पे अपनी भड़ास निकाल दो फिर बदनाम दारू को करो। नहीं नहीं वैसी नहीं, नहीं मतलब हाँ 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 नहीं हाँ वाला नहीं नहीं हाँ नहीं या नहीं हाँ नहीं हाँ वाला हाँ नहीं हाँ नहीं। सही है। एक्चुअली मैं कल से आपको सॉरी बोलना चाहता था, मतलब तुम दोनों को। मैं सच में वैसा आदमी नहीं हूँ, वो क्या हो गया ना बोनस वाली बात मैंने दिमाग पे ले ली और कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया। लेकिन ब्रो गुस्सा हम पे क्यों निकाला? देख हमारे क्लाइंट्स जो है ना वो यूएई के, ट्रांजैक्शंस भी सारी उन्हीं करेंसी में होती है और इसी वजह से हमें बोनस ज़्यादा मिलता है।
इतना तो पता ही होगा। हाँ एक्चुअली बात तो प्रैक्टिकल है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में ना पैसा ज्यादा मिलता ही है। अगर तुम्हें भी ज्यादा बोनस चाहिए तो यू कैन जॉइन अस। देखो सेल्स तो तुम्हें आती है, सिर्फ थोड़ी इंग्लिश ठीक कर लो। हाँ पर उतना आसान नहीं है ना। मैं सच में कल से तुम दोनों को सॉरी बोलना चाहता था, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। यस्टरडे इन फ्रंट हाउ मच आई बिहेव रॉन्ग। दैट्स ओके। एक्चुअली लड़कियों को ना इमीडिएटली पता चल जाता है कि कौन इंग्लिश सिर्फ इंप्रेशन झाड़ने के लिए बोल रहा है। तुमने पार्टी में बोला था ना कि जो लड़का इंग्लिश बोलता है वो मुझे कूल रूप लगता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना सिर्फ तुम्हारा परसेप्शन है। सच बोलूं तो मुझे तो कपिल शर्मा भी उतना ही कूल लगता है जितना क्रिस रॉक। क्रिस रॉक पता है ना भाई कौन है? हाँ हाँ WWF वाला। हाँ वो स्मैकडाउन वाला। यार अगर तुम लोगों को बुरा नहीं लगा था तो कंप्लेंट तो नहीं करनी चाहिए थी। कंप्लेंट नहीं की भाई हमने तो, ये हिंदी डिपार्टमेंट वालों के साथ साथ हम इंग्लिश वालों को भी कंप्लेंट हुई है। मैंने किस बात की कंप्लेंट? चलो एक बात तो पता चली, तुम ये हिंदी डिपार्टमेंट वाले पार्टी एनिमल्स नहीं, सिर्फ एनिमल्स हो। ऐसा क्यों? फोटोज नहीं देखी तुमने? कौन सी फोटोज दिखाए सर? आओ आ जाओ। ये मैं और भाई बस 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 काम नहीं हो पाएगा नहीं तो। चल चले। जी सर मैं देख पा रहा हूँ।